हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अजमेरा फैशन सूरत में और ये हैं जो कि सर। और बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली ना कमेंट करते हैं कि सुनील तुम ना यूट्यूब के अलावा कोई और बिजनेस करो। बहुत सारा बिजनेस मैं ट्राई कर रहा हूं, मतलब सोच रहा हूं कि भाई मैं कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन मेरे को ना जो अच्छा जो बिजनेस लगा ना ये कपड़े का बिजनेस अच्छा लगा। और सूरत में सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग है ना जो कि अजमेरा फैशन कराती है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ना जो कि अपना बिजनेस रन अप करते हैं, लेकिन जो अजमेरा फैशन है ना वो दोस्तों भरोसे का प्रतीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि हमारे भी व्यूअर है ना वो भरोसे पे काम करें, अपने बिजनेस को रन अप करें। और खास करके दोस्तों पटना बिहार के रहने वाले जो वासी है ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सर अच्छे से बिजनेस के बारे में बताएंगे। और मैं भी दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ कपड़े का, क्योंकि यूट्यूब के भरोसे रहेंगे भाई तो कुछ भी हो सकता है, तो सर जो कि बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज न कल दोस्तों आप लोगों को भी पैसे कमाने हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस करने हैं, कुछ ना कुछ आपको काम ही करना पड़ेगा। तो उससे पहले इस वीडियो को आप लोग देख लेना तो सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से बिजनेस किए जाते हैं, किस तरह से ग्रो किए जाते हैं बिजनेस को। इस वीडियो में सारा कुछ आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, यूट्यूब के भरोसे हम नहीं हैं, ना आप हैं और ना और हैं, यूट्यूब हमारे भरोसे है। ये चीज को आप खास ख्याल रखिए। YouTube को जो पैसा कमाई होती है, YouTube को बोल रहा हूँ मैं, हम अपनी कमाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों से पैसा कमाती है। आज सर यहाँ आके वीडियो बनाते हैं, एक जानकारी व्यूअर्स को देते हैं, तो YouTube वो जानकारी को आप लोगों तक पहुँचाता है। अब जानकारी के साथ साथ वो बीच के अंदर एक दो ऐड भी चलाता है, आप लोग देखते होंगे, तो उस ऐड से यूट्यूब की कमाई होती है। बिल्कुल सर। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि यूट्यूब अगर बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। हाँ। ना 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 ना, ये बोलिए कि यूट्यूब अगर बंद हो गया तो यूट्यूब का क्या होगा, यूट्यूब गड़बड़ा जाएगा। जी जी। तो लेकिन फिर भी जो है हम लोग ये चाहते हैं कि एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड कोई भी ना रहे। आपने ये सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है, भले ही आपने किसी के कहने पे सोचा, जी जी। आपके परिवार वाले, आपके रिलेशन वाले, किसी ने भी आपको एक सजेशन दिया होगा, ये बहुत अच्छा सजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसको फॉलो करने के अंदर। मैं तो सबको कहता हूँ, आप नौकरी कर रहे हैं करते रहिए, आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, हमारे बिहार में खासकर ये होता है, बिल्कुल सर, 20-20 साल 30-30 साल तक लोग लगे रहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे ढूंढने में, तो करते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको छोड़ दीजिए, मैं ना नौकरी छोड़ने के लिए कहता हूँ ना नौकरी ढूंढने के प्रयास को रोकने के लिए कहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपके पास जो एक्स्ट्रा समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो उसमें कोई बिजनेस की ओर अपने आप को अग्रसर कीजिए, कोई क्रिएटिव चीज़ की ओर अपने आप को अग्रसर कीजिए, जिसमें भी आपका मन बनता है। हाँ, कपड़े में अगर आपका मन बनता है तो अजमेरा फैशन आपके लिए तैयार है। जैसे सर लोगों का मन बना है कि हम कपड़े का कोई बिजनेस कर ले, शायद आपने पहले भी वीडियो बनाए हैं हमारे। जी, सर पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे को ना बहुत सारे डाउट थे उस समय, तो इस बार आ करके मैं खुद बिजनेस करना चाहता हूँ। तो जैसे बहुत सारे सवाल है, इसे मैं पार्ट टाइम कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब भी कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो अपना कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई हो गया, कुछ ना कुछ कर ही करते ही हैं लोग, बराबर। उसके अलावा मतलब इसको करना रहेगा तो कैसे कर पाएंगे। देखिए, आप यूट्यूब चलाते हैं, मैम आपके साथ रहते हैं, आप क्या करते हैं मैम? वैसे घर पे ही रहते हैं, हाउसवाइफ हैं या आपकी वाइफ ही है ना? हाँ, वाइफ ही है। हाँ, तो हाउसवाइफ ही हैं आप या कोई दुकान वगैरह आपने करके रखी हुई है या कुछ बिजनेस करते हैं? सर के साथ यूट्यूब में ही रहते हैं बस। देखिए, इसका बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, आप अपना काम करते रहिए, जो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर यूट्यूब बना रहे हैं, या सब काम करते रहिए। अगर कपड़े का बिजनेस करते हैं तो सबसे बढ़िया माध्यम है आपकी वाइफ जी, या फिर आपकी मम्मी जी, या फिर आपकी दीदी, या फिर आपके रिटायर्ड फादर। मान लीजिए आपके फादर रिटायर हैं, घर पे हैं, या आपके बड़े ब्रदर हैं, या कोई है उनके पास समय रहता है, आप उनको छोटे रूप में इस बिजनेस को करवा दीजिए। आप स्वयं जो कुर्ती पहन रखी हैं अभी, ठीक है, ये कुर्ती आपने कहीं से खरीदी होगी, पटना में या कहीं पे भी आपने, जहाँ से आप आए हैं, ठीक है,
अब कोई और भी खरीदता होगा वहाँ पे जी सर। अगर आप अपने ही YouTube चैनल के अंदर जब लोगों को ये कहते हैं कि मैंने सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ, साड़ी भी लाई हूँ, कुर्ती भी लाई हूँ और भी जो सामान आपको लगता है वो लेके आई हूँ, आप मेरे से खरीदिए, मैं रिजनेबल रेट में दूंगी और ऐसे ब्रांड का दूंगी जो ब्रांड एक फेमस ब्रांड है, ठीक है। आपका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ? नहीं सर। आपका काम चल रहा है, बराबर है, आप भी अपना काम कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास बचता है थोड़ा इनको दे दीजिए, कोशिश कीजिए। वो यूट्यूब जो आप बना रहे हैं मेरे लिए, अभी यहाँ आके आपने यूट्यूब बनाया है, यही यूट्यूब आप अपने लिए बना लीजिए। वहाँ पे मैम के साथ सवाल जवाब कीजिए कि ये ड्रेस कितने की है, ये कुर्ती कितने की है, ये लहंगा चोली कितने का है, ये साड़ी कितने की है। बस तो, लोगों को बात पहुंच गई। हाँ, ये तो सोचे ही नहीं थे। हाँ, मतलब दोनों काम मतलब हो जाएंगे, दोनों काम जैसे कि लोग भी बन जाएगा, जैसे कपड़ा हाँ दुकान पे जा रहे हैं तो ये कस्टमर आए हुए हैं। हाँ, बस उसका व्लॉग बना सकते हैं, प्रमोशन भी हो जाएगा अपने दुकान का। बिल्कुल। तो यही चीज हर आदमी कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके घर पे जो भी आपकी मम्मी दीदी वाइफ या आपके फादर हैं रिटायर्ड, उनको आप छोटे रूप में इस बिजनेस को करवा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, एक खास बात है अजमेरा फैशन में जी। आप पटना के किसी होलसेलर से कपड़ा लेंगे जी सर, या पटना का होलसेलर जो हमारे यहाँ से कपड़ा ले जाता है और जिस रेट में खरीद के ले जाता है ना, उसी प्राइस में हम आपको भी देंगे। और अगर कोई व्यूअर हमारा नई दुकान करना चाहता है, पटना सिटी के अंदर है, मान लीजिए पटना सिटी में धोली सती है, धोली सती के बगल से कोई महिला आके हमको बोलती है कि भाई मेरे को 50,000 रुपये में बिजनेस करना है जी, घर से ही, ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, हम उसको भी उसी प्राइस के अंदर देंगे जिस प्राइस के अंदर सुपर खैतान मार्केट के अंदर जो होलसेलर बैठे हुए हैं उनको जिस प्राइस में देते हैं। इसीलिए तो सर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बस पटना में जाकर के मैं रेट देखा ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। हाँ, डिफरेंट रहेगा ही। देखिए, कोई भी कमाई करने के लिए बैठा है, सूरत में एक मैन्युफैक्चरर की एक लिमिटेड कमाई होती है जी जी, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर आता है, ठीक है, वो ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता। लेकिन एक रिटेलर क्या है, उसकी दुकान कैसी बनी हुई है, उसमें बेचने वाला कैसे हैं, उसमें लाइटिंग कैसी है, उसमें रेंज क्या क्या है, उसके ऊपर उसकी कमाई डिपेंड करती है। और हर आदमी अपने स्तर पर कमाने के लिए व्यापार करता है और कमाई करेगा ही करेगा। तो आप वहाँ से लेंगे तो उसकी कमाई आपको देनी पड़ेगी, और डायरेक्ट सूरत से लेंगे तो आपको वही प्राइस मिलने वाली है अजमेरा फैशन में जो किसी डीलर और होलसेलर के लिए है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये लगा ना कि सर तो कपड़ा देते ही देते हैं वही कम रेट में, और यहाँ की खास बात ये है ना कि सर अच्छे से गाइड भी करते हैं कि आपको किस तरह से बिजनेस को रन करना है जी। बिल्कुल, क्योंकि सर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस होने से? सर बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ये बिजनेस का। 1992 में मैं सूरत आया था, अभी 2024 है तो 32 साल हो गए हैं। और जो 32 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ, आपने YouTube की बात कही ना, YouTube के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। लोग देखते हैं, उससे अपने आप को बिजनेस के लिए प्रेरित होते हैं और जोड़ते हैं बिजनेस से। आज 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बिजनेस को शुरुआत किए हैं हमसे। इसमें होलसेलर भी हैं, इसमें रिटेलर भी हैं, इसमें महिलाएँ भी हैं, इसमें हमारी फ्रेंचाइजी भी है, सब है। फ्रेंचाइजी भी है। 200 से ज़्यादा महिलाएँ हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट हमसे किया था जी जी, घर से 25,000 50,000 या लाख रुपए लगा के, लेकिन आज वही महिलाएं एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिजनेस को और बड़े रूप में अपने घर की मेन अर्निंग पर्सन बन चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ भी आपके मन में आया है, आपके मन में भी अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आप मोस्ट वेलकम है, सूरत आइए, बहुत ही अच्छी बात है। सूरत आप नहीं आ सकते हैं, आप वहाँ बैठे मंगवाना चाहते बैठे हैं भी। हाँ, वहाँ बैठे भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं फर्स्ट टाइम अगर आप बिजनेस से अपने आप को जोड़ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार आके देखिए। चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, या कहीं और से कोई रेफरेंस आपको मिला है कि सूरत में ऐसे ऐसे कोई है वहाँ जाके आप बिजनेस कर सकते हैं, तो वहाँ जाइए, डायरेक्ट देखिए, समझिए, उसके बाद जो डिसीजन आपने लेना है वो लीजिए, जैसा कि आपने लिया है। हाँ।
तो आप लोग यहाँ पे नंबर आप लोग को दिख रहे होंगे, तो आप लोग इंक्वायरी भी कर सकते हैं कोई भी किसी तरह का आपको मतलब मन में सवाल लगे, जैसे कि वीडियो के थ्रू वो डॉट्स क्लियर नहीं होंगे सर बहुत सारे लोगों को। देखिए वीडियो में हम कोई चीज का मैसेज पहुंचा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी के लिए तो आपको या तो कॉल करना पड़ेगा या यहाँ आना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ सबसे पहला काम, आप 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करना चाहते हैं और उसके लिए लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, पहला कदम उठाना, फर्स्ट स्टेप उठाना। और आपके लिए फर्स्ट स्टेप है आप फोन कीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल कीजिए। ये जान लीजिए आपने फर्स्ट स्टेप अगर उठा लिया है ना तो आपकी आधी यात्रा तय हो गई है। लोग शुरुआत करने से ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल सर, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, अरे फोन कीजिए ना, आप क्या चिंता, फोन करने का पैसा थोड़ी लगता है, आजकल तो जियो है फ्री में फोन लगता है, है? फोन कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे आपके, 10 मिनट लगेंगे, उसको समझिए फोन के ऊपर। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ करने जैसा है तो फिर आगे बढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कैंसिल है, पहले भी वैसा ही था उसके बाद भी वैसा ही होना है, क्या बदल जाना है, कुछ नहीं। सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगा कि भाई सर जो कि अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ा बेचते हैं सेल करते हैं लेकिन वो बस माल लिए पैसा दीजिए बात खत्म। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, हर तरीके से गाइड करते हैं सर। बच्चे हमारे हैं जो वेल ट्रेंड हैं आपके एरिया के हिसाब से, अब आप नए हैं आपको तो पता नहीं है कि भी क्या आपके एरिया में बिकेगा। बिल्कुल सर, मैं राजस्थान में बिकने वाली चीज अगर आपको दे दिया तो आपके यहाँ बिकेगी नहीं, मैं साउथ में बिकने वाली चीज आपको दे दिया तो आपके यहाँ बिकेगी ही नहीं। बिल्कुल सर, तो हमारे बच्चे जो हैं वो वेल ट्रेंड है, उनको पता है कि बिहार से अगर कोई कस्टमर आया है तो उसको क्या देना है, साउथ से कोई कस्टमर आया है तो उसको क्या देना है, राजस्थान से कोई आया, हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल टेस्ट है। बिल्कुल सर, ठीक है, हमारा हिंदुस्तान एक देश तो है ही है, ठीक है, लेकिन उसमें कई देश हैं, अलग 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 संस्कृति को फॉलो करते हैं, अलग अलग टेस्ट चलता है वहाँ पे, अलग अलग डिजाइन चलती है वहाँ पे, वो सारी चीजों से कस्टमर को अवगत करवाया जाता है। आप अभी जाएंगे ऊपर तो मैं भेजूंगा किसी बच्चे को आपके साथ में, वो पूरी चीज आपको दिखाएगा, हर चीज समझाएगा, आपके सामने वो 10 चीजें रखिएगा जो आपके बिहार में चलती है, उन 10 में से भी आपको 5 सेलेक्ट करनी है या 2 सेलेक्ट करनी है या 1 सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी है, बोले नहीं ये हटा दीजिए तो भी आप हटा सकते हैं, लेकिन उन 10 में से कोई भी चीज आप लेंगे तो आपके यहाँ कपड़ा जाके रुकेगा नहीं, ये हमारा चैलेंज है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वालिटी पे पूरा कमांड हम लोग रखते हैं, क्वालिटी में किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने ब्रांड की वैल्यू को समझते हैं। बिल्कुल सर, आज हमने 30-32 साल के अंदर जो अपना ब्रांड बनाया है ना, उसको हम किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस ब्रांड का नाम कैसे बने रहेगा? जी सर, तब बने रहेगा जब हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, जब हम रेट कंट्रोल करेंगे, है ना, कस्टमर को वो चीज देंगे जो उसके एरिया में जाके बिकती हो, तब हम अपने नाम को जो है एक ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आज जहाँ आज हम यहाँ पहुंचे तो हम यहाँ रुकने के लिए तो नहीं आए हैं ना, हमें और आगे जाना है, है ना, तो और आगे जाने के लिए हमें ये सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो पूरी तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको मैं भेजता हूँ ऊपर, आप वहाँ सारी चीज समझ जाएंगे, समझाएंगे आपको, फिर जैसा भी आपको डिसीजन लेना हो आप ले सकते हैं। और देखिए माल की आप कतई टेंशन ना करें, आप अगर खुद खरीद के लेके यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे, या आपने वहाँ बैठे फोन करके हमको माल मंगवाया है हमारे यहाँ से, जब तक माल आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हमारी लायबिलिटी रहेगी, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। रास्ते में कुछ भी होता है आपके माल के साथ, मान लीजिए ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, पार्सल आपका चोरी हो गया, या ट्रक एक्सीडेंट में आग लगी, पार्सल आपका जल गया, साल में 1-2 बनाव बन जाते हैं ऐसे, तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट पूरा कंप्लीट करेगी, लेकिन उसमें समय लगता है, तो हम अपने कस्टमर को परेशान नहीं होने देते, हम या तो इमीडिएट आपको पैसा रिफंड करेंगे नहीं तो आपको नया माल देंगे। सर आप बीच में फ्रेंचाइजी के लिए भी बोल रहे थे कि मतलब कोई भी राज्य में आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि मेरे को फ्रेंचाइजी लेना रहेगा या हमारे ऑलरेडी राज्य में है, तो हम कैसे पता करेंगे वहाँ भी फ्रेंचाइजी, या मैं खुद का ले सकता हूँ तो कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं सर। फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा इन द सेंस 15-16 लाख रुपया का होता है एक फ्रेंचाइजी, एक 27-28 लाख का है और एक 57 लाख करीब का है। तो अगर
अमाउंट आपके पास थोड़ा ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम अपना नाम देते हैं, अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से आप दुकान खोल सकते हैं। अच्छा, आज लगभग 65 से 70 फ्रेंचाइजी हमारी फाइनल हो चुकी है, उसमें से 17-18 फ्रेंचाइजी जो है ऑपरेशनल है, मतलब चालू हो गई है, और इस महीने लगभग 4-5 फ्रेंचाइजी ओपन होने वाली है। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपको ये बता दूं, बिहार के अंदर कम से कम 20 फ्रेंचाइजी आने वाली है हमारी। 20 फ्रेंचाइजी? हाँ जी, 20 फ्रेंचाइजी स्टोर्स अजमेरा ट्रेंड के नाम से पूर्णिया में है जी, टेकारी गया में है, गया में खुद गया था ओपनिंग के अंदर जी, फ्रेंचाइजी पे साहेबगंज में है, ठीक है, और भी काफ़ी जगह। 20 फ्रेंचाइजी दोस्तों फाइनल हो चुकी है। अगर आप भी ऐसा होता है, लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या बिजनेस किया जाए, तो ऐसी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, सफिशियंट पैसा है आपके पास लगाने के लिए लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो आप फ्रेंचाइजी की ओर जा सकते हैं। हम जो 32 साल की मेहनत से हमने अपना एक नाम बनाया है, वो नाम आपके सुपुर्द कर देंगे। अजमेरा ट्रेंड्स की एक दुकान आपको खुलेगी जिसका फोफो मॉडल रहता है। अगर आप ज़्यादा जानकारी फ्रेंचाइजी के लिए चाहिए तो भी वीडियो की लिमिट होती है जी, ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं कर सकते हैं। हम नंबर यहाँ पे दे दे रहे हैं फ्रेंचाइजी की टीम का, आप उस पर कॉल कीजिए, हमारी फ्रेंचाइजी टीम विजिट करेगी आपके यहाँ पे, सब चीज़ देखेगी किस तरीके से कैसे क्या है। आपको भी मैं नंबर दिलवा दूंगा, अगर फ्रेंचाइजी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो शायद कोई टीम हमारी यहाँ पे होगी, वो आपको पूरे तरीके से गाइड करेगी, बताएगी। और आप अगर जानना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है, फिर से फ़ोन करने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप शर्माते हैं, सकुचाते हैं, बहुत सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए, हर तरीके से हमारी टीम आपको गाइड करेगी। जो कौन सी लैंग्वेज होती है, देखिए बिहार में तो हिंदी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैथिली भाषा चलती है, भोजपुरी चलती है, ये सब चलती है, तो ई लैंग्वेज में भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और जो बाहर वाले देख रहे हैं, साउथ वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो लैंग्वेज के भी, हिंदुस्तान में जितनी भी लैंग्वेज चलती है वो सब लैंग्वेज के बच्चे अवेलेबल हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे। आप जब फ़ोन करेंगे तो आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करके पूरी चीज़ गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे। तो बिल्कुल आपको ये आभास या ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कोई ऐसी जगह बात कर रहे हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बेझिझक होकर के फ़ोन कीजिए और समझिए कि किस तरीके से आप अजमेरा फैशन से जुड़कर कपड़े के बिज़नेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं, अपने ही शहर में किसी होलसेलर से खरीद रहे हैं, तो भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं अजमेरा फैशन से अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। और अगर आप पहली बार बिज़नेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो जुड़ जाइए अजमेरा फैशन के साथ अपने बिज़नेस को खड़ा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का हमें मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने बिजनेस के लिए सोचा, एक एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए। आप कर तो रही हैं ऑलरेडी, अर्निंग आपकी हो ही रही है, पर आपने एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए कुछ सोचा है, उसके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं हमारी आपको। ईश्वर खूब तरक्की दे, ऐसी हमारी ऊपर वाले से दुआ है। थैंक यू वेरी मच।